फाइनली कल गोकुल धाम पूरा हो जाएगा। पूरा? ओ एकमेव सेक्रेटरी साहब, एक दिन में सोसाइटी के रिनोवेशन का काम पूरा कैसे हो जाएगा? हाँ बड़ी। नहीं नहीं पोपटलाल, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ। गोकुल धाम पूरा हो जाएगा मतलब गोकुल धाम के सभी मेंबर कल उपस्थित होंगे। कच्चे सब लोग वापस आ रहे हैं ना कल? ये बराबर है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे है तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। हाँ, और आने के बाद ये देखकर बहुत खुश होंगे कि फाइनली रिनोवेशन का काम गोकुल धाम में शुरू हो गया है। तो भाई बड़े संसदीय भाषा में ऐसे बोलो ना कि कोरम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो भाई इसी खुशी में एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। हाँ हाँ जरूर। वैसे पोपटलाल तुम्हें कॉफी पीने के लिए खुशी की क्या जरूरत है, जब जाओ पियो। क्या मेहता साहब आप भी। और अंजलि भाभी, अगर कॉफी के साथ कुछ नाश्ता नमकीन वगैरह हो जाए तो मजा आ जाएगा। कोमल भाभी। हंस। अरे कोमल। क्या कोमल भाभी, आप भी। हाथी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो गर्मा गर्म कॉफी के साथ नमकीन नाश्ते का मजा ही कुछ और होता है। और कॉफी, अंजलि आज करेले का जूस नहीं पिला रही। हाँ आइए ना। मेरे ख्याल से अभी जेठाल वगैरह ट्रेन में बैठ गए होंगे। नहीं मेहता साहब, जरा फोन करके पूछिए ना प्लीज। क्या यार, वेरी गुड आइडिया भिड़े। अभी फोन लगा के पूछता हूँ जेठालाल को कि भाई भिड़े सुंदर के बारे में पूछताछ कर रहा है। नहीं 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 नहीं, फोन लगा के पूछता हूँ ना भाई, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी। अरे यार लकी यू भिड़े, जेठालाल का फोन तो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। मैं सोडी को फोन लगा के पूछता हूँ। हाँ मेहता साहब बोलिए। क्या हुआ सोडी, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? मेहता साहब यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है, हम लोग सारे यहाँ बीएसएफ कैंप में आए हैं। क्या गड़बड़ हो गई है सोडी? ओ मेहता साहब, आज हम लोग ऊंट की सवारी के लिए निकले थे और पता नहीं कैसे जेठा अपना ऊंट के साथ गुम हो गए। क्या, क्या, फिर से बोलो सोडी, क्या हुआ? अदा, अदा। हाँ बेटा। अदा, अदा। आंजो चुन्नू अच्छी हो। वाह साहब, चुन्नू मिल गया, चुन्नू मिल गया साहब, चुन्नू मिल गया। पापा! मैं साहब, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। छोड़ी नहीं है चाचा जी, जेठा प्रांगे देख नहीं रहा। चलो चलो अंदर जा, चलो अंदर। आधा ये रहे। अरे तेरे आधा नहीं भाई, इसके आधा, इसके पापा। हाँ भाई, जेठालाल जो ऊंट के ऊपर बैठा था। पर ऊंट तो अकेला आया। बेटा ऊंट किस तरफ से आया था? ऊंट तो पाकिस्तान की सरहद की तरफ से आया। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊंट जेठालाल को लेकर पाकिस्तान चला गया? अरे उपाध्याय साहब, तुझे फौरन पाकिस्तान की तरफ जेठा प्रांगण को ढूंढो। सैनिक भाई चलिए, हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। देखिए रुकिए रुकिए, आप लोग एक मिनट शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। हमें सिर्फ शक है, यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो उस तरफ गई ना हो, हमें पहले कंफर्म करने दीजिए। चौहान। यस सर। जल्दी कुछ करो। पाकिस्तानी रेंज ऑफिसर मुदस्सर से बात करवाओ। जी सर। हेलो पाकिस्तान बॉर्डर, हाँ हमारी बात कराइए जरा सर से। जनाब। हाँ कुरैशी बोलो, कुछ बताया उसने? जी नहीं जनाब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने एक ही बात की रट लगा रखी,
लगता है बहुत शातिर है। अगर आप कहें तो खातिरदारी और बढ़ा दी जाए। जनाब, कहो। हिंदुस्तान की बीएसएफ से कमांडेंट साहब का फोन है। हेलो। कहिए जनाब उपाध्याय साहब, मुदस्सर जमाल बोल रहा हूँ। मुदस्सर साहब सलाम, कैसे हाल है? अभी तक फ्री थे लेकिन आपकी दुआ से फिर बिजी हो गए हैं। बताइए कैसे याद किया? मुदस्सर साहब, हमारे रणोत्सव से एक नागरिक ऊंट की सवारी करते शायद सरहद पार आ गया है। सही फरमाया आपने मिस्टर जेठालाल, भोली भाली शक्ल वाला अजीब सी मूंछों वाला जासूस भेजा है, जिसकी शर्ट पर ट्रांसमीटर भी लगा है। ट्रांसमीटर? उसकी शर्ट पर पतंगे और फिरकियां हैं। देखिए मुदस्सर साहब, वो शर्ट की डिजाइन है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। उपाध्याय साहब, इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आपके जासूस से पूछ-पूछ कर रहे हैं। सच्चाई का पता तो जांच पड़ताल के बाद ही चलेगा। खुदा हाफिज। मुदस्सर साहब, मुदस्सर साहब। शांत हो जाइए, सुनिए। अरे उन्हें बोलने दो। हाँ जी, चाचा जी। देखिए हमारा शक सही निकला है, जेठालाल पाकिस्तान में। जेठालाल पाकिस्तान में। देखिए ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले रखा है। लेकिन क्यों? वो लोग उन्हें जासूस समझ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पापू जी अब क्या करेंगे? वो लोग तो टप्पू के पापा को जासूस समझ रहे हैं। देखिए अब, अरे आप उन्हें कहिए कि मेरा बेटा जासूस नहीं है, अरे वो तो सीधा साधा व्यापारी है। आप उन्हें फोन कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, ऑर्डर कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर जल्दी से टप्पू के पापा को लेकर आइए। देखिए मैडम, हर देश का अपना कानून होता है और पाकिस्तान एक अलग देश है, उसका अपना अलग कानून है। हम जानते हैं कि जेठालाल जी जासूस नहीं है, पर वो लोग शक के आधार पर तहकीकात कर रहे हैं। अब डर इस बात का है कि कहीं वो लोग उन्हें जासूस साबित न कर दें। जासूस ने साबित कर दे मतलब? ऐसे कैसे जासूस साबित कर देंगे? अरे इतने सारे आदमी हो, जासूस साबित कर देंगे? सर, अभी जेठा प्रा को छुड़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए अब हमें जेठालाल को छुड़ाने के लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास कुछ उनके फोटोग्राफ्स या डिटेल्स हैं तो हमें दीजिए प्लीज। मेरे मेरे मोबाइल में है, ये देखिए। शर्मा सर, जल्दी से जाकर इसके प्रिंट आउट निकाल के लाओ। और हाँ, हमारे जवानों को इन्फॉर्म कर दो कि जेठालाल को ढूंढना बंद करें। सर एक्सक्यूज मी। आप लोगों को ये लीगल प्रोसीजर खत्म होने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोल नहीं सकते? ये कैसा जवाब दे रहे हैं आप? कॉपी अभी टप्पू के पापा को लेकर आइए। देखिए मैडम जी, ये लीगल प्रोसीजर है, हमें फाइल ऊपर पहुंचानी पड़ती है, फिर वहां से भारतीय विदेश मंत्रालय दिल्ली जाती है, फिर पाकिस्तान एम्बेसी, उसके बाद भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। ठीक है सैनिक भाई, आप अपना फर्ज निभाइए। एक पत्नी अपना फर्ज निभाएगी। टप्पू के पापा को छुड़ाने के लिए मैं पाकिस्तान जाऊंगी। पाकिस्तान जाऊंगी। हाँ मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अरे हम सब जेठा प्रा को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे।
आराम जाना इतना आसान नहीं है। देखिए हम आप लोगों का दुख समझते हैं, लेकिन इस तरह जज्बात में आकर आप कोई काम मत कीजिए। आप पाकिस्तान ऐसे नहीं जा सकते। इन हालातों में आपका उठाया गया एक भी गलत कदम जेठालाल को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगा, उनकी और तकलीफें बढ़ा देगा। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पापा को प्रॉब्लम हो। बिना मैं हाजी पीर से दुआ करूंगा कि आपका पति जल्द से जल्द वापस आ जाए। हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं आपको फोन ही नहीं कर पाया। अरे सोडी कहाँ हो तुम, मैं फोन लगा लगा के परेशान हो गया हूँ भाई। जेठालाल का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, तुम्हें इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ सारे लोग चिंता में है, कहाँ है जेठालाल? पाकिस्तान में। क्या मजाक कर रहे हो सोड़ी? क्या हुआ? तुम्हें हुआ क्या? अरे मेहता साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, जेठा अपना पाकिस्तान पहुँच गया। सोड़ी क्या हुआ क्या, जरा बताओ मुझे। मेहता साहब अभी हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। सोड़ी मैं फिर से फोन लगाता हूँ तुम्हें। जेठालाल पाकिस्तान में है। जेठा भाई पाकिस्तान में? मेहता साहब आपने ठीक से तो सुना ना, वो राजस्थान तो नहीं बोला? कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर हाथी, मैं इस तरह की बात ध्यान से नहीं सुनूंगा। अरे सोडी ने सब कुछ डिटेल में बताया कि क्या हुआ, जेठालाल सचमुच पाकिस्तान में है। अरे मेहता साहब अभी अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जेठालाल ऊंट पे बैठा और गुम हो गया, पर अचानक पाकिस्तान कैसे चला गया? हाँ भाई पोपटलाल उसी ऊंट की वजह से है जेठालाल पाकिस्तान में। ऊंट की सवारी कर रहे थे कि इतना चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान, अब ऊंट को क्या पता चला गया सरहद पार। कैसे शक है सरहद पार करके कैसे जा सकता है? अब जानवरों को तो सरहद का पता नहीं होता ना, ये सरहद नाम की चीज तो इंसान नाम के जानवर ने बनाई है, और ऊपर से ये कि जेठालाल पे जासूसी का इल्जाम लगा है। पूरी जिंदगी भी जा सकती है जेल में, सही बात है। क्या पोपटलाल भाई आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा जेठा भाई को। जेठा भाई को ऊंट पे बैठने की जरूरत ही क्या थी? या अल्लाह जेठा भाई को सलामत रखना। मैं एक मिनट सोड़ी को फिर से फोन लगाता हूँ। हाँ सोड़ी एक मिनट दया भाभी को फोन देना। हाँ मेहता साहब एक मिनट। दया भाभी जी मेहता साहब का फोन है। हेलो मेहता साहब, पाकिस्तानी सैनिक भाइयों ने टप्पू के पापा को जासूस समझकर पकड़ लिया है। हाँ दया भाभी मुझे पता चला, प्लीज आप बिल्कुल चिंता मत करना। क्या चिंता ना करूं, आप तो टप्पू के पापा के फायर ब्रिगेड हो, आप हमेशा उनकी मदद करते हो। दया भाभी इस वक्त आपको हिम्मत रखनी चाहिए और टप्पू और चंपक चाचा को भी हिम्मत दीजिए प्लीज। हाँ। हाँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। आप लोग इस वक्त है कहाँ मुझे ये बताइए? हम लोग भुज में है। ठीक है मैं अभी पहली फ्लाइट पकड़ के भुज पहुँचता हूँ। हाँ। और आप बिल्कुल चिंता मत करना। तारक मुझे फोन दीजिए ना प्लीज, मैं लैपटॉप पे चेक करता हूँ। हेलो दया भाभी देखिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ एक मिनट। हेलो दया भाभी देखिए भगवान है ना, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ दया भाभी। हाँ और दया भाभी हमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो हमारा भी कुछ बुरा नहीं होगा। ओके हाँ दया भाभी। दया भाभी मेरा दिल कहता है कि जेठा भाई जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाएंगे। दया भाभी बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अंजलि एक मिनट फोन देना प्लीज। हाँ एक मिनट। हाँ दया भाभी मैंने अभी भी सारी फ्लाइट चेक की, लेकिन इस वक्त भुज की कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए कल मुंबई से पहली जो भी फ्लाइट मिलती है भुज की मैं उसे पहुंचता हूँ, और प्लीज आप चिंता मत करना सब कुछ ठीक करेगा भगवान। ओके ठीक है।
माता जी टप्पू के पापा का ध्यान रखना। अभी अभी इंडियन बीएसएफ के कमांडेंट उपाध्याय से बात हुई है हमारी। तुम्हारी फैमिली ने वहां तुम्हारे गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मिलना चाहोगे अपनी फैमिली से? हाँ। तो सब सच सच बता दो। मैंने जो कुछ बताया सब सच ही बताया है साहब। मैं एक सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें मैं टीवी फ्रिज मोबाइल ये सब बेचता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी जासूसी फिल्म देखने का शौक रखता हूँ। बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, गोपीचंद जासूस, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। बस सब सच बता दिया, मुझे अभी मिलवा दीजिए मेरी फैमिली के साथ। मिलवा नहीं सकते तो कम से कम फोन पे बात तो करवा दीजिए। इस भोले भाले मासूम से चेहरे के पीछे एक बहुत ही शातिर जासूस छिपा है। इससे इसकी असलियत उगलवाने का अब एक ही तरीका है। कुरैशी, जनाब, डाल दो इसे सलाखों के पीछे। चाचा जी, आप आराम से बैठ जाइए। आपके लिए कुछ चाय वाय मंगाएं? नहीं, जब तक मेरा जेठिया वापस नहीं आ जाता मुझे कुछ नहीं चाहिए। चोट अगर दाएं हाथ को लगे तो दर्द बाएं हाथ पे नहीं होता, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन विज्ञान की परिभाषाएं रिश्तों पे लागू नहीं होती। जब आपका अपना कोई मुसीबत में हो ना तो दर्द हृदय में होता। मेरे परम मित्र जेठालाल और दया भाभी, कच्छ में कितना आनंद किया, साथ साथ घूमे, साथ साथ गरबा खेले, हमेशा साथ साथ रहने वाले दया भाभी और जेठालाल, और अचानक कैसे बिछड़ गए? किसी ने ठीक कहा, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। जो हमेशा हर दुख में साथ रहे, ये पहली बार ऐसा दुख आया है जब दोनों साथ में नहीं है। जब अपना कोई दूर होता है, अपना कोई बिछड़ता है, तो उसके कष्ट का अनुभव वही कर सकता है जिसका कोई अपना दूर हुआ हो, अपना कोई बिछुड़ा हो। मैं जब कई बार रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से गुजरता हूँ, आसपास गुमशुदा लोगों की तस्वीर लगी होती है, लोग बाग ऐसे निकल जाते हैं उनकी तरफ बगैर ध्यान दिए, संवेदनहीन होके। जब कोई अपना बिछुड़ता है तो बड़ी परेशानी होती है। और मैं जानता हूं इस वक्त पूरा गड़ा परिवार बेहद परेशान है, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, क्योंकि जेठालाल गुम हो गए हैं। भाई जेठालाल जरूर अभी दया भाभी से बिछड़ गए हैं, लेकिन हंसी हम आपके चेहरों से नहीं बिछड़ने देंगे। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।